वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड आई एम पूनम शर्मा। नजर डालते हैं शिक्षा से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। यूनिवर्सिटी ने तय किया है कि BA LLB दूसरे, चौथे, छठे, आठवें और अंतिम सेमेस्टर के एग्जाम ओपन बुक सिस्टम से करवाए जाएंगे, जबकि BA LLB पहले तीसरे, पांचवें, सातवें और नौवें सेमेस्टर की एग्जाम लिखित नहीं होकर इंटरनल मार्क्स के आधार पर होगी, लेकिन कॉलेज असाइनमेंट प्रोजेक्ट के आधार पर मार्क्स देंगे। वहीं LLB में भी यही व्यवस्था लागू होगी, यानी पहले, तीसरे और पांचवें सेमेस्टर के एग्जाम नहीं होंगे, इंटरनल मार्क्स के आधार पर ही रिजल्ट तैयार होगा, जबकि दूसरे, चौथे और अंतिम सेमेस्टर में ओपन बुक एग्जाम होगी। लॉ के बार कोर्स के लिए भी इसी फॉर्मूले को अपनाया जाएगा। विश्वविद्यालय के दायरे में करीब 14 लॉ कॉलेज हैं। यहां से LLB, LLM सहित अन्य कोर्स में 13,000 विद्यार्थी हैं। BA फाइनल के साथ ही BBA और BCA फाइनल सेमेस्टर की भी परीक्षा शुरू हो गई है। छात्रों का कहना है कि किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं आ रही है, आसानी से प्रश्न पत्र वेबसाइट से अपलोड हो रहे हैं। वहीं BCOM की 17 और BSc अंतिम वर्ष की 19 से शुरू होगी। BBA BCA फाइनल सेमेस्टर की एग्जाम 23 जून से होगी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का परीक्षा देने वाले विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं। रिजल्ट, माइग्रेशन और डिग्री में करेक्शन के लिए उन्हें भटकना पड़ रहा है। कोरोना काल के चलते ऑनलाइन शिक्षा का चलन बढ़ गया है। इसके चलते DAVV ने 15 साल पुराने इंटरनेट केबल को अब बदलने की तैयारी कर ली है। यहां हाई स्पीड केबल से इंटरनेट सुविधा की व्यवस्था की जा रही है। यूनिवर्सिटी में संबद्धता के लिए कॉलेजों को 3 विकल्प दिए, भौतिक निरीक्षण, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन या शपथ पत्र, तभी कॉलेजों को मिलेगी संबद्धता। ज्ञात होगी 31 जुलाई से पहले यूनिवर्सिटी को कॉलेजों की संबद्धता जारी करना होगा। वहीं यूनिवर्सिटी की लापरवाही सामने आ रही है कि 50 से अधिक कॉलेजों से संबद्धता शुल्क के 11 करोड़ रुपए लेना यूनिवर्सिटी भूल गई। इस बात को 10 साल हो गए। जब लापरवाही सामने आई तो कॉलेजों को नोटिस भेजकर शुल्क जमा करने के लिए कहा जा रहा है। ये शासकीय और निजी दोनों तरह के कॉलेज हैं। स्कूल संचालकों ने ऑनलाइन क्लास शुरू करें इसका निर्णय लिया है। 15 जून से प्रारंभ होगी और 30 जून तक प्रवेश प्रक्रिया चलेगी। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।